मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। और आज अगर ये चर्चा शुरू ही हुई है तो मैं आपके माध्यम से आग्रह भी करना चाहूंगा कि क्यों ना किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो एक व्हाइट पेपर लेकर के आए। अगर बीघे जमीन की बात है तो उनके कितने बीघे जमीन है उनको भी स्पष्ट करना चाहिए, पारदर्शिता से आगे आना चाहिए। बिल्कुल, कि क्या ये नेताओं को भी बताना चाहिए उनकी कितनी जमीन है और कितनी बेनामी कृषि जमीन है। किसान ना नेता भी, अरे आप नेता हैं, आप नहीं बताएंगे कुछ भी, और जो आपसे सवाल पूछने लगे लाओ जी व्हाइट पेपर लाओ, आपके बारे में भी पूरा खुलासा होना चाहिए ना। ये बड़े बड़े अभिनेता किसान बने घूम रहे हैं उनका भी पता लगना चाहिए। चर्चा कानून बनाने से पहले किसी से की थी कि ये किसानों के हक में कानून लाए, किससे बात की थी? संदीप जी, अप्रत्याशित संकट का समय था, कोविड लॉकडाउन का समय था, उस समय हम सब जानते हैं। नहीं, जब ये कहा जाता है कि ये किसानों के हक में है कानून, और आपके लोग पिछले साल नवंबर दिसंबर में जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई बड़े गाजे बाजे के साथ ये कहा जाता था, ये ताल ठोकी जाती थी, हमने 93 लाख लोगों से राय ली, आज तक वो डेटा बैंक साझा नहीं हुआ है। कानून बनाने का हक है, देश ने आपको चुना है, बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन जिसके लिए कानून लेकर आएंगे उससे बिना सलाह मशवरा आप कानून बना देंगे, ये कितना जायज है? और फिर अभी बातचीत 140 दिन हो गए, 130 करोड़ जनसंख्या की बात की, 140 दिन से कोई बातचीत नहीं हो रही है। संदीप जी, मैं बिहार से आता हूं और न्यूज के साथ साथ नब्ज पे भी थोड़ा अपना ध्यान रखता हूं कि नब्ज क्या है लोगों का। आंदोलन कहां कहां सक्रिय है आप सब जानते हैं, 2-3 प्रांतों में सक्रिय है, बिहार की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए, पश्चिम बंगाल की बात करिए, तो मुझे लगता है कि सर्वमान्य तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव की आवश्यकता है, जो आप अक्सर करते हैं, जो आप अक्सर लेते हैं। अभी भी आपने डीएपी की बात की, अभी भी आपने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की उस निर्णय की बात की जिसमें खरीफ क्रॉप की एमएसपी को बढ़ाया गया है, ये अच्छी बात है। अभी भी दाल को लेकर के जो कंसर्न रेज किया था आईपीजीए ने, इंडियन प्रोसेसिंग ग्रेन एसोसिएशन ने, उसका भी हम लोगों ने सुना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कितने किसानों को लाभ पहुंचा हम सब जानते हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव लेने की आवश्यकता है। नहीं, उसी कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा उसको ब्रॉडन करते हैं। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है जी, ये पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान क्यों आंदोलित हैं? सबसे ज्यादा आय किसानों की कहां पर है? इसी पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिहार में आप कह रहे हैं आंदोलन नहीं है, वहां तो किसान ने उम्मीद ही छोड़ दी, हाथ पैर ही वो बैठ गया। आप जानते हैं मुझसे बेहतर, आप बिहार से आते हैं, 3,500 रुपए मासिक आय है किसान की, 42,000 रुपए कमाता है, उसने सारी उम्मीद छोड़ दी कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, भट्टा बैठ गया है मेरा। आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। संदीप जी, तो क्या इसलिए आंदोलन नहीं हो रहा वहां पर? नहीं तो संदीप जी, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनका कोई स्टेक नहीं है क्या? जो छोटे किसान हैं वो उम्मीद छोड़ चुके हैं क्या? ये हकीकत नहीं है? 3,500 रुपए में खुश है बिहार का किसान, आप ये बता रहे हैं मुझे? नहीं नहीं संदीप जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप हाँ। आपने खुद कहा कि भाई प्रॉफिट का मेजर पोर्शन जो है इन स्टेटों से आता है, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की चिंता कौन करेगा? पंजाब में हम सब जानते हैं संदीप जी, 32% दलितों की जनसंख्या है, बॉन्डेड लेबर के रूप में काम करते हैं, छोटे किसान के रूप में काम करते हैं। यदि उनको अतिरिक्त विकल्प दिया जा रहा है, यदि उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से पिछले वर्षों में 1,25,000 करोड़ से अधिक का राशि दिया गया है, तो मुझे समझ में नहीं आता। लगातार आप बार बार उन लोगों की पैरोकारी हो रही है यहाँ पे जो बड़े किसान है, निश्चित रूप से वो भी नागरिक। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूँ गुरु, गुरु छोटे किसानों की सुनवाई। गुरु, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और 32% दलित आबादी है, और वो मजदूरी नहीं, मैं बॉन्डेड लेबर लेबर तक का शब्द इस्तेमाल करूंगा, हालत ये है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पर जब आप ये 2000 जब करते हैं ना, आपको मालूम है 2016 में एक स्टडी की गई थी, 2016 में 14 रुपए का डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था, 1 एकड़ धान की खेती करने में लगभग 117 लीटर डीजल लगता है, आप उसे 100 लीटर मान लीजिए, 14 रुपए बढ़ा तो लगभग 1400 रुपए प्रति एकड़, और 1 एकड़ में 30 क्विंटल के करीब धान होता है। आज की तारीख में पिछले एक साल में 13 महीने का आंकड़ा बता रहा हूं, उसे मोटा मोटा एक साल का भी मैं उसको कर दूंगा एडजस्ट, 23.93 रुपए डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, 20 रुपए पकड़ लीजिए, तो 2000 रुपए आपका प्रति एकड़ सिर्फ डीजल में खर्च बढ़ गया। धान में कीमत बढ़ाई आपने 72 रुपए, 75 रुपए तो मेरी डीजल की कीमत बढ़ गई, और आप कहते हैं जी 2000 रुपए दे दिए, 500 रुपए महीने दे दिए,
और इसके लिए हमारी ताली बजाओ। तो ये ताली बजाई जाए कि सवाल पूछा जाए? नहीं, सब लोगों जितने जितने धान के किसान हैं, जितने गेहूं के किसान हैं, उनकी पूरी पैदावार क्या एमएसपी पर खरीदी गई? आप हमेशा आंकड़े बताएंगे 17% का इजाफा हुआ, पूरा गेहूं की पैदावार क्या एमएसपी पर खरीदी गई? सवाल क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए और इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए क्या? सीधे ये बोल देना कि कुछ नहीं हुआ है, पिछले 6 वर्षों में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है जी, मैं इसको गलत मानता हूं। जितना हक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का है उतना ही हक 86% स्मॉल एंड मार्जिनल ही है। ये हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बारे में भ्रम जो फैला रखा है ना, मैंने एक दिन अपने ही कार्यक्रम में तमाम जो किसान नेता थे उनसे पूछा था कितने बीघे जमीन है। धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि मेरे पास 8 बीघे है। अभिमन्यू कुहार ने बताया जी मेरे खाते में 5 बीघे जमीन आती है। 86% ऐसे हैं 2 हेक्टेयर वाले किसान हैं और वो पंजाब में भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बुरा हाल है। 4-4, 2-2 बीघे के अपने आप को जमींदार कहने वाले गांव में घूमते हैं। पुरानी ऐठ नहीं गई पर 2 खूंड आते हैं बांटे। मैं बिल्कुल देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आज अगर ये चर्चा शुरू ही हुई है तो मैं आपके माध्यम से आग्रह भी करना चाहूंगा कि क्यों ना किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो एक व्हाइट पेपर लेकर के आए। अगर बीघे जमीन की बात है तो उनके कितने बीघे जमीन है उनको भी स्पष्ट करना चाहिए, पारदर्शिता से आगे आना चाहिए। बिल्कुल, कि क्या ये नेताओं को भी बताना चाहिए उनकी कितनी जमीन है और कितनी बेनामी कृषि जमीन है। किसान ना नेता भी, अरे आप नेता हैं, आप नहीं बताएंगे कुछ भी। और जो आपसे सवाल पूछने लगे, लाओ जी व्हाइट पेपर लाओ, आपके बारे में भी पूरा खुलासा होना चाहिए ना। ये बड़े बड़े अभिनेता किसान बने घूम रहे हैं उनका भी पता लगना चाहिए। बहुत के विरोध में आंदोलन कर रहे थे संसद भवन के बाहर, वो आपातकाल का समय नहीं था। आप लोगों से लेसन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिस्ट में कुछ छप जाता है, वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ छप जाता है तो आप लोग उसको कोट ट्वीट करते हैं, आपके नेता उसको कोट ट्वीट करते हैं, ये उचित नहीं है। देखिए, आप लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हमारे इकोनॉमिस्ट से आपको आज दिक्कत होती है, आप भी मूडीज और अलग अलग रेटिंग एजेंसीज, जब आपको इंटरनेशनल एजेंसीज उनके अखबार टाइम मैगजीन कवर पर डालते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, तो उसको गाजे बाजे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आज अगर वो कहते हैं कि मौत का आंकड़ा 7 गुना है दरअसल भारत में, तो आप उसको फेक न्यूज बताते हैं। ये तो आप भी वहां पर कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। गुरु प्रकाश संदीप जी, हम लोग का तकनीकी आधार में विरोध है। तकनीकी आधार में हमारा विरोध है। WHO के द्वारा जो ICD-10 गाइडलाइंस इशू हुए थे, हम लोगों ने उसको फॉलो किया है। नहीं नहीं, मीठा मीठा गपगप कड़वा कड़वा थूथू नहीं हो सकता ना जी, मीठा मीठा गपगप कड़वा कड़वा थूथू नहीं हो सकता। विदेशी पत्रिकाएं हैं, आपकी प्रशंसा करें, मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करें तो आप सेलिब्रेट करेंगे। वो कुछ कमियां उजागर कर दें, आप कहेंगे नहीं नहीं ये बढ़ा चढ़ा कर, ये हमारा ये तो अपमान कर रहे हैं, ये देश को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। संदीप जी, उनसे हम लोग प्रमाण पत्र भी तो नहीं लेते हैं ना, जिस प्रकार प्रमाण पत्र ले रहे हैं कांग्रेस के लोग, उनको एंडोर्स कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि में 2,000 रुपए 4 महीने में दे दिए, उसकी इतनी ताल ठोकी जाएगी, 10-10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए जाते हैं एक दस्तखत से, और कोई उस नहीं करता। ये बात है, असल बात ये है जो आप बात बता रहे हैं, ये है असली बात। इस मुद्दे के ऊपर यदि हम बात करते हैं, आंदोलन करते हैं, सारे यहाँ गला फाड़ने लगेंगे, 19,000 करोड़ रुपए दिए जी हमने किसानों को। अरे 10-10 लाख करोड़ देते उद्योगपतियों को, कोई उफ भी नहीं करता, समझ में नहीं आता गणित। यहाँ 20,000 करोड़ का 20,000 बार आप जिक्र कर देंगे, दर्द होता है आपको? प्रमोद चौधरी, गलत पूछ रहा हूं सवाल? मैं सहमत हूं आपसे।